हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप आपकी पढ़ाई मस्त चल रही है, रिवीजन फुल स्पीड से चल रहा है एंड आई प्रे एंड मेरे को बिलीव है कि दिस रिवीजन लेक्चर्स, चैप्टर वाइज रिवीजन लेक्चर्स विल डेफिनेटली आपके रिवीजन्स को सर आग लगा देगा, माहौल के साथ आपके रिवीजन में आग लगा देगा एंड सर फुल स्पीड से आपका रिवीजन होगा। सर ये रिवीजन लेक्चर्स सीए सीएस सीए में फाइनल के जो स्टूडेंट्स हैं इंडायरेक्ट टैक्स आपके लिए है। सेकंड थिंग, ये लेक्चर जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दीज आर नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे से पढ़ाई करी है। सर कोई भी स्टूडेंट जो भी सीए सीएस सीए में फाइनल के एग्जाम्स दे रहा है या देने वाला है, सर ऑल कैन यूज दिस लेक्चर्स फॉर रिविजन ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स। हर टॉपिक को हम सर effectively and efficiently revise करेंगे and definitely these revision lectures are going to help you before the exams and during the exams and my all wishes are for you, क्योंकि ultimately आपकी सक्सेस है, हमारी सक्सेस है। एंड सर चले सर शुरू करते हैं हम क्या, रिविजन का काम लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। आइए सरकार, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, माहौल के साथ सर शुरू कर रहे हम क्या। सबसे पहला टॉपिक सरकार लेवी ऑफ जीएसटी। सबसे पहली बात, अच्छा ध्यान देना बेटा, ये रिविजन लेक्चर्स है, ये कोई फुल कोर्स नहीं है, ये कोई कोई बूस्टर बैच नहीं है, कोई फास्ट ट्रैक बैच नहीं है। सर ये फास्ट सुपर फास्ट रिवीजन लेक्चर्स है, आपका पूरा कंसंट्रेशन यह होना चाहिए माहौल के साथ। सर जिसको जितना कम टाइम में हम इनको रिवाइज कर पाएंगे, जितना कम टाइम में हम सब्जेक्ट को ग्रिप में ला पाएंगे, उतना ही ये रिविजन्स आपके लिए इफेक्टिव रहेंगे। इसलिए सर आपका रिवीजन कम टाइम में हो, इसलिए बहुत सुपर फास्ट बोलना बहुत जरूरी होता है एंड सर हर टॉपिक को आपके यहाँ फिट करना इज वेरी एसेंशियल, क्योंकि सर सब्जेक्ट अगर आपके ग्रिप में आ गया तो कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही, सर कॉन्फिडेंस होता ना आपका, वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। एंड सर आई नो कि सर एंड आई बिलीव कि ये लेक्चर्स आपके लिए डेफिनेटली एक एक सक्सेस के लिए बहुत हेल्पफुल साबित रहेंगे। एंड सर ध्यान दीजिएगा, आपका पूरा कंसंट्रेशन इधर फुल स्पीड से चलेंगे, इसलिए सर अपनी कुर्सी के सीट बेल्ट बांध दीजिए एंड माहौल के साथ। सर ये लेक्चर जब खत्म होगा मैं वेट करूंगा आपके कमेंट के लिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, माहौल के साथ। आइए सरकार, सर शुरू करते हैं हम क्या, लेवी ऑफ जीएसटी से। सबसे पहली बात सर सेक्शन नंबर 1 सीजीएसटी लगता कब है सर, इंट्रास्टेट सप्लाई पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, और अगर आप यूनियन टेरिटरी में तो सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगेगा। इंट्रास्टेट सप्लाई के केस में आईजीएसटी लगता है। अच्छा ध्यान दीजिएगा बेटा, 4 स्टेट्स सर 4 यूनियन टेरिटरीज दिल्ली पुडुचेरी, 3 यूनियन टेरिटरीज दिल्ली पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये 3 यूनियन टेरिटरीज दिल्ली पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे सर इनका खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है, यहाँ पर सर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। सर बाकी सारी यूनियन टेरिटरीज अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन दीव, लद्दाख, चंडीगढ़ एंड अदर टेरिटरी में सर अगर आपने इंटरस्टेट सप्लाई किया तो सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगेगा, बाकी हर जगह क्या लगेगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। इंटरस्टेट सप्लाई के केस में हमेशा ही आईजीएसटी लगता है बच्चों। ओके सर, सबसे पहली बात जीएसटी कब से लगा था, 1 जुलाई 2017 से लगा था, जम्मू एंड कश्मीर में 8 जुलाई से महबूबा मान गई सर, क्लियर। देन नाउ लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी। सबसे पहली बात चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 1 बोलता है क्या, सीजीएसटी विल बी लेविड ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एट द रेट टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल बट नॉट मोर देन 20% अंडर सीजीएसटी, 40% अंडर आईजीएसटी, क्लियर। एंड सर इट शैल बी लेविड ऑन वैल्यू ऑफ सप्लाई व्हिच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन नंबर 15 एंड इट शैल बी पेएबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन सिंस जीएसटी इज लेविड ऑन सर इंटरस्टेट सप्लाई क्या तो सीओएस लगेगा, इंटरस्टेट सप्लाई क्या तो आईजीएसटी लगेगा, पर सर इट इज लेविड व्हेन दोज सप्लाईज आर मेड बाय टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन मतलब अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, मतलब अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, भले वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है, यू आर अ टैक्सेबल पर्सन, और अगर आप सर लायबल फॉर रजिस्टर्ड हो पर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो भी यू आर अ टैक्सेबल पर्सन एंड यस आप जो सप्लाई करो टैक्सेबल सप्लाई उस पर जीएसटी लेवी होगा और जीएसटी पे करना पड़ेगा साहब आपको, क्लियर। ओके, सबसेक्शन 2 बोलता है क्या, 5 गुड्स पेट्रोलियम वाले गुड्स। सर याद है बेटा, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमन नोन एज पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस, इन 5 गुड्स पर जीएसटी लगेगा बट फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, बट अब तक नोटिफाई नहीं हुआ। और ये 6 गुड्स मतलब घूम लो और झूम लो, सर इन दोनों गुड्स पे मतलब ये 6 कैटेगरी ऑफ गुड्स पे अभी जीएसटी लेवी नहीं होता है, इसलिए इन 6 गुड्स को बोलते हैं क्या, सर नॉन टैक्सेबल सप्लाई केवल 6 ही अभी है। ओके सरकार, सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 3 बोलता है क्या, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 4 बोलता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये दोनों सेक्शन हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 के केस में। एंड सर सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 बोलता है किसके केस में, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इफ यू आर सर्विस सप्लायर और 4 नोटिफाइड सर्विस दे रहे हो, जैसे रेस्टोरेंट सर्विस हो गया, होटल अकोमोडेशन सर्विस हो गया, हाउसकीपिंग सर्विस हो गया, ओला उबर की सर्विस हो गई, ये 4 सर्विसेज नोटिफाइड है सेक्शन नंबर 9(5) में, जहां पे ईसीओ विल बी ट्रीटेड एज इफ ईसीओ इज दी सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज। सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 को सर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं, 9394 को रिवर्स चार्ज बोलते हैं, वहाँ रेसिपिएंट लायबल होता है, यहाँ पे ईसीओ को ही 95 में ईसीओ को ही सप्लायर मान लिया, इसको इसलिए इसको क्या बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। 939495 हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 के केस में। अच्छा, जो सेक्शन नंबर 9 है लेवी का अंडर सीजीएसटी एक्ट, वही सेक्शन नंबर 5 है आईजीएसटी एक्ट के अंदर, वहाँ पे इंटरेस्ट सप्लाई है, मैक्सिमम रेट 40% है, बाकी सारे प्रोविजन एब्सोल्युटली सेम है, वो इंटरेस्ट के लिए, ये इंटरेस्ट के लिए बेटा। ओके सर, आइए सबसे पहली बात, सर टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी सप्लाई, सर इंट्रास्टेट हो या इंटरस्टेट हो, सर जीएसटी लेवी कब होता है भाई, सप्लाई के स्कोप, सप्लाई पे जीएसटी लेवी होता है, इंटर हो या इंट्रा। व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई? सेक्शन नंबर 7 डिफाइन सप्लाई। सर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 बोलता है क्या, सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई मींस नहीं, सप्लाई इंक्लूड्स। सर सबसे पहला क्लॉज नंबर ए बोलता है क्या, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल ऑफ व्हाट, गुड्स और सर्विस और बोथ, when such supplies are made or agreed to be made by a person for a consideration in the course or furtherance of business। मतलब सर supply should be for a consideration plus it should be in the course or furtherance of business। तो क्लोज नंबर ए में कवर होगा, अगर क्लोज नंबर ए में कवर नहीं है तो बाकी क्लोज देखिए। अच्छा, क्लोज नंबर डबल ने क्लेरिफाई करने के लिए ये पॉइंट डाला कि अनइनकॉर्पोरेटेड एओपीबीआई और उसके मेंबर्स हमेशा दो सेपरेट पर्सन के लाएंगे। सर किसी भी कोर्ट ने, किसी भी जजमेंट ने, किसी भी लोगों ने कुछ भी बोला, वी डोंट केयर। सर फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी अनइनकॉर्पोरेटेड एओपीबीआई जॉइंट वेंचर्स हो गए, क्लब हो गए और उसके मेंबर्स दो सेपरेट पर्सन के लाएंगे। उन्होंने अगर आपस में कोई सप्लाई किया तो वो सप्लाई के स्कोप में आएगा, जीएसटी लगेगा। फॉर एग्जांपल सर्कुलर भी दे रखा है, वो बताता हूं मैं आपको यहाँ पे। सर एओपीबीआई ने अपने मेंबर से मेंटेनेंस फीस ली है, सर होता ना सर सोसाइटी मेंटेनेंस फीस लेती बेटा, या फिर कोई मेंबरशिप फी ली है विच इज रेवेन्यू इन नेचर, जिसको कैश कॉल बोलते हैं, विच इज रेवेन्यू इन नेचर, तो ऐसे केस में उस पर जीएसटी लगेगा। सेकंड थिंग, अगर जो कंट्रीब्यूशन आपने दिया है वो अगर कैश कॉल जो है वो अगर कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, इन्वेस्टमेंट है सर, दैट्स अ प्योर ट्रांजैक्शन मनी, वो रिफंडेबल अमाउंट होता है, उस पर जीएसटी नहीं लगता। क्लियर? पर अगर कोई एक मेंबर ने दूसरे मेंबर को सर्विस दी है, यस सप्लाई के स्कोप में आएगा। मेंबर ने क्लब को सर्विस दी है, सप्लाई के स्कोप में आएगा। क्लब ने मेंबर को सर्विस दी है, यस सप्लाई के स्कोप में आएगा, पर कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अमाउंट पे जीएसटी नहीं लगता क्योंकि दैट इज अ प्योर ट्रांजैक्शन इन मनी। आई होप पूरा याद आ गया आपको बेटा। सरकार दीज आर रिवीजन लेक्चर्स, सर पूरा ध्यान इधर रखिएगा, ये सुपर फास्ट रिवीजन लेक्चर होंगे और जितना फास्ट होगा उतना ही अच्छा आपका रिवीजन होगा, क्योंकि जितने कम टाइम में आप पूरा चैप्टर आपकी ग्रिप में ले आओगे उतना कंट्रोल में सिलेबस आपके आ जाएगा। और कंट्रोल में लाना सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सीए फाइनल, क्योंकि सर सिलेबस बहुत बड़ा होता है। क्लियर? टाइम बहुत कम होता है, जितने कम टाइम में आप इसको कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे उतना ही कंटेंट आपके लिए इफेक्टिव होगा एंड उतना ही आप एग्जाम में अपनी ग्रिप बना पाएंगे क्वेश्चंस पर। आइए सरकार, सर अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्लोज नंबर बी बोलता है क्या, देखिए बेटा क्लोज नंबर ए ने बोला क्या, इट शुड बी फॉर अ कंसीडरेशन प्लस इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस। क्लियर? सर क्लोज नंबर बी बोलता है क्या, कोई बात नहीं, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं भी हुआ, पर अगर आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी, अगर आपने सर्विसेज इंपोर्ट करिए फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो ये भी सप्लाई और सर्विस के स्कोप में आएगा एंड उस पर जीएसटी लगेगा। एग्जांपल netflix.com आपने सब्सक्राइब किया पर्सनल यूज के लिए फॉर अ कंसिडरेशन, ये सप्लाई के स्कोप में आएगा, जीएसटी लगेगा सब इस पे। क्लियर? देन अच्छा एक बात और ध्यान रखना बेटा, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, अगर आपने पर्सनल यूज के लिए सर्विसेज इंपोर्ट करी है तो सारी सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन जो पर्सनल यूज के लिए इंपोर्ट करी वो सप्लाई के स्कोप में आ रहा। पर मेगा एग्जाम्स लिस्ट में बोल दिया कि अगर आपने पर्सनल यूज के लिए कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी तो उस पर जीएसटी क्या है, एग्जम्प्ट है एक्सेप्ट वन सर्विस, ओआईडीआर सर्विस। क्लियर? कनेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे मेगा के साथ में बेटा, इसलिए ओआईडीआर सर्विस नेटफ्लिक्स का मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया जानबूझ के। सरकार देन सर कोई बात नहीं, क्लोज मसी बोलता है क्या, कोई बात नहीं, अगर कंसिडरेशन नहीं भी है पर अगर वो ट्रांजेक्शन शेड्यूल नंबर 1 में कवर है तो यस वो सप्लाई के स्कोप में आएगा। और 8% देयर आर 4 ट्रांजेक्शन विच आर कवर्ड इन शेड्यूल नंबर 1। वो 4 ट्रांजेक्शन कौन कौन से है? सर फर्स्ट परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द एसेट ऑफ द बिजनेस वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। फर्स्ट क्या है सर, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द एसेट ऑफ द बिजनेस वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, वो सप्लाई के स्कोप में आएगा, उस पर जीएसटी लगेगा। अगर आपने परचेज ऑफ गुड्स पे आईटीसी लिया है और उसको आपने किसी को डोनेट कर दिया, यस वो सप्लाई के स्कोप में आएगा। पैरा नंबर 2 बोलता है क्या, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, ये हम पढ़ रहे क्या, विदाउट कंसिडरेशन फिर भी सप्लाई के स्कोप में आएगा। सप्लाई सेकंड, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय अ पर्सन टू हिज रिलेटेड पर्सन और अ डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस, तो सप्लाई के स्कोप में आएगा। और हाँ, अगर किसी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट्स दिए है अप टू वैल्यू ऑफ ₹50,000 पर एनम पर एम्प्लॉय, तो सप्लाई के स्कोप में ही नहीं आएंगे। अच्छा ध्यान देना बेटा, अगर 50,000 से ऊपर क्रॉस करेंगे तो जो 50 से ऊपर क्रॉस करा उस पर जीएसटी लगेगा, पर अगर सिंगल गिफ्ट ही 50,000 से ऊपर का दिया है तो पूरे पे जीएसटी लगेगा, ऐसा मेरा ओपिनियन है। सरकार देन ध्यान देना बेटा, अनइनकॉर्पोरेटेड सॉरी रिलेटेड पर्सन को आपने कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई किया है, क्लियर, या आपने डिस्टिंक्ट पर्सन को कोई गुड्स और सर्विस सप्लाई किया तो सप्लाई के स्कोप में आएगा, पर ध्यान देना बेटा दैट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो सर सबसे पहली बात, रिलेटेड पर्सन के केस में ध्यान देना बेटा, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हुआ तो ही वो सप्लाई के स्कोप में आएगा, वरना वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। एक गलती जो बच्चे करते हैं, रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन जो यहाँ दे रखी बेटा उसमें फैमिली भी रिलेटेड पर्सन होती है, पर फैमिली के अंदर ध्यान देना बेटा स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन तो हमेशा रिलेटेड कराएंगे पर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर्स, ये आपके रिलेटेड तभी कहलाएंगे व्हेन दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट अपॉन द सेड पर्सन। अगर वो डिपेंडेंट नहीं तो वो रिलेटेड के स्कोप में नहीं आएंगे। सर इस पे कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। मान लो आप लोगों को सर्विस इंपोर्ट करिए अपने ब्रदर से, आपका ब्रदर कहाँ है, आउट ऑफ इंडिया है, वो लॉयर है, सर वो एडवोकेट है, आपने अपने बिजनेस के लिए कोई सर्विसेज ली उससे, क्लियर, आपने किसी कोई क्लाइंट था आपका जो पेमेंट आपको नहीं दे रहा है या कोई भी डिस्प्यूट था उसके रिगार्डिंग उसने लीगल ओपिनियन भेजी वहाँ से, बेटा क्लियर, क्लाइंट को नोटिस भेजा उसने वहाँ से, क्लियर, तो उसने सर्विसेज दी, वो आपका भाई है पर वो आपका रिलेटेड पर्सन नहीं है क्योंकि वो आप डिपेंडेंट नहीं है और ऐसे केस में वो सप्लाई के स्कोप में आएगा अगर वो कंसिडरेशन में है तो। अगर विदाउट कंसिडरेशन तो वो सप्लाई ही नहीं है क्योंकि वो रिलेटेड पर्सन आपका, सर वो ब्रदर आपका रिलेटेड पर्सन नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी क्योंकि वो मेनली और होली डिपेंडेंट ऑन यू नहीं है। फॉर अ कंसिडरेशन होता है क्लोज नंबर ए में कवर होता, विदाउट कंसिडरेशन है तो सर यहाँ पे ध्यान देना बेटा, विदाउट कंसिडरेशन के केस में वो सप्लाई के स्कोप में तभी कवर होता है जब आपके रिलेटेड पर्सन ने सर्विसेज इंपोर्ट, रिलेटेड पर्सन से आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी, ये पैरा नंबर 4 में आएगा पर ये रिलेटेड वर्ड का है इसलिए मैंने बताया आपको यहाँ पे, क्लियर, डन। सरकार आइए, सर डिस्टिंक्ट पर्सन के जो सर्कुलर थे वो भी तुम्हें बताया था बेटा मैं, सर अगर कोई आपका ब्रांच मुंबई में एक ब्रांच कहा दिल्ली में है, सर एयरलाइंस ने क्या किया, एयरक्राफ्ट इंजन या पार्ट्स कंपोनेंट्स एक्सेसरीज भेजी कहाँ पर, दिल्ली ब्रांच भेजी बेटा, तो सर ऐसे केस में इन दी कोर्स ऑफ अदर्स बिजनेस उसने डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई किया दूसरे स्टेट में है, मतलब डेफिनेटली डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है सर, तो ऐसे केस में सप्लाई के स्कोप में आएगा, जीएसटी लगेगा और उन पार्ट्स कंपोनेंट्स इंजन के परचेज पे उसने जो जीएसटी पे किया उसका उसको आईटीसी मिल जाएगा और सेल एक तरह से डिस्टिंक्ट पर्सन को जब भेज रहा है सप्लाई के स्कोप में आएगा, उस पर जीएसटी लगेगा और जीएसटी पे करने के लिए आईटीसी यूज कर सकता है। सेकंड थिंग सर वो एयरक्राफ्ट इंजन पार्ट्स या कुछ भी गुड्स आप अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को भेज रहे हो तो उसके लिए मोड ऑफ कन्वेंस आपने यूज किया, ट्रक वगैरह यूज किया बेटा, क्या ट्रक भी सप्लाई होगा क्या, नहीं, ट्रक सप्लाई नहीं हुआ। मोड ऑफ कन्वेंस जो आप यूज कर रहे हो दैट इज ओनली फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पस नॉट फॉर सप्लाई। हाँ परमानेंटली ट्रक भी उस ब्रांच को भेज दी होती है आपने, डिस्टिंक्ट पर्सन को भेज दिया होता आपने, तो ऐसे केस में सप्लाई के स्कोप में, अदरवाइज सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। अच्छा आपने अपनी ब्रांच को, सर मान लो आप एक इंजीनियरिंग कंपनी हुई, सुपर इंजीनियरिंग का मैंने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चनर में आपको बेटा क्लियर, आप अगर एक इंजीनियरिंग कंपनी हो और ऐसे केस में सर याद है बेटा, सर मशीन रिपेयरिंग मशीन आपका बड़े बड़े प्लांट वगैरह रिपेयरिंग करते हो आप, रिपेयरिंग का आपका सर बहुत बड़ा मशीन है, अब वो मशीनरी आप क्या करते हो, बड़े बड़े प्लांट क्या आप खुद ले जाते हो, तो आपने एक ट्रक बना रखा है और वहीं पे आपने रिपेयरिंग की मशीन वगैरह इंस्टॉल करी हुई है, तो सर होता ना रिपेयरिंग मशीनरी ऑन द व्हील्स, तो ऐसे केस में आप अपनी क्लाइंट क्या जब वो ले जाएंगे तो वो सप्लाई नहीं हुआ, रिपेयरिंग सर्विस सप्लाई ऑफ सर्विस, क्लियर, गुड सप्लाई नहीं हुआ। पर अगर आपने यही जो यू नो मशीन ऑन द व्हील था ये आपने अगर अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को भेजा है तो पूरी पूरी मशीन सप्लाई नहीं हुई है, क्लियर, क्योंकि वो मशीन वापस आने वाली है, पर अगर जो कंज्यूमर्स थे उस पर जो रिपेयरिंग के टाइम पे कंज्यूम हो जाएंगे वो सप्लाई के स्कोप में आ जाएंगे क्योंकि वो आपने क्या कर दिया, परमानेंटली भेज दिया बेटा। अरे क्लियर, ये तीनों सर्कुलर रिगार्डिंग डिस्टिंक्ट पर्सन, आई होप यू गॉट द पॉइंट। सर अगला आता है क्या, सप्लाई ऑफ गुड्स, देना बेटा सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। यहाँ पे सप्लाई के स्कोप में तभी आएगा सर जब एजेंट जब गुड्स भेज रहा है कस्टमर को तब वो खुद के नाम का अगर बिल इश्यू कर रहा है, तो ऐसे केस में प्रिंसिपल कैसे जब एजेंट क्या गुड्स जाएगी वो सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा, उस पर जीएसटी लग जाएगा। यहाँ पर प्रिंसिपल के बिल पर जीएसटी लगेगा जिसका बिल का क्रेडिट लेगा कौन, एजेंट। एजेंट जब कस्टमर को बिल देगा वो खुद के नाम का बिल इशू कर रहा है, मतलब उसने कस्टमर को बेचा है, तो सर ऐसे केस में वो जीएसटी लगाएगा अपने बिल पर और सर उसने परचेज एक तरह से किया प्रिंसिपल से, उसके बिल का वो आईटीसी ले लेगा बेटा, क्लियर, डन। अच्छा ऐसे ध्यान देना, ऐसे एजेंट को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है सेक्शन 24 के हिसाब से, उसको 20 लाख का कोई बेनिफिट नहीं मिलता। सेकंड बात सर प्रिंसिपल कैसे जब एजेंट क्या जाएगा टैक्स इन्वेस्ट बन के जाएगा, जब एजेंट कैसे कस्टमर को जाएगा वो खुद के नाम का बिल इशू कर रहा है, पर अगर एजेंट जब कस्टमर को बिल इशू कर रहा है वो खुद के नाम का बिल इशू नहीं कर रहा, वो प्रिंसिपल के नाम का ही बिल इशू कर रहा है, तो ऐसे केस में प्रिंसिपल ने ही कस्टमर को गुड्स बेचा है, ऐसे केस में एजेंट ने कस्टमर को गुड्स नहीं बेचा। सेकंड थिंग प्रिंसिपल कैसे जब एजेंट क्या जाएगा तब डिलीवरी चालन के थ्रू गुड्स जाएगा, टैक्स इन्वेस्ट इशू नहीं होगा क्योंकि वो सप्लाई नहीं है। अब ऐसे केस में जब प्रिंसिपल कस्टमर को जब एजेंट कस्टमर को देगा गुड्स तब मानेंगे प्रिंसिपल ने गुड्स बेचा है कस्टमर को, तब वो टैक्स इन्वेस्ट इशू करेगा, तब टैक्स की लाइफ आएगी। ऐसे केस में केवल एजेंट अपने कमीशन का बिल जो लिखता है प्रिंसिपल को वही सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आता है। सर ऐसे केस में प्रिंसिपल टू एजेंट क्या वो सप्लाई नहीं है, क्लियर, अगर एजेंट प्रिंसिपल के नाम का बिल इशू कर रहा है, तो अगर एजेंट खुद के नाम का बिल इशू कर रहा है तो ऐसे केस में प्रिंसिपल टू एजेंट सप्लाई हो जाएगा और जब एजेंट कस्टमर को बेचेगा ये मानेंगे उसने खुद ने सप्लाई किया है, क्लियर। अच्छा ध्यान देना, यहां पे डेल क्रेडिट एजेंट के लिए सर्कुलर था, डेल क्रेडिट एजेंट अच्छा बाकी सर्कुलर में एक बता चुका, डेल क्रेडिट एजेंट के लिए सर्कुलर था कि अगर एजेंट कस्टमर को जो बिल लिख रहा है वो खुद के नाम का बिल इशू कर रहा है, मतलब खुद सप्लाई कर रहा है कस्टमर को, तो ऐसे केस में उसने कस्टमर से जो ओवर एंड अबव द प्राइस जो इंटरेस्ट रिकवरी किया है वो इंटरेस्ट विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई और पूरे वैल्यू पे जीएसटी लगेगा। पर अगर एजेंट जब कस्टमर को बिल लिख रहा है वो प्रिंसिपल के नाम का बिल लिख रहा है, मतलब प्रिंसिपल इज सेलिंग द गुड्स टू द कस्टमर, तो ऐसे केस में एजेंट कस्टमर को गुड्स नहीं बेच रहा है, ऐसे केस में एजेंट ने कस्टमर को जो पैसा एडवांस में दिया मतलब एक तरह से लोन दिया है बेटा और लोन पे इंटरेस्ट की रिकवरी जो करी है, ऐसे केस में उस इंटरेस्ट पे जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा क्योंकि लोन देने पर जो इंटरेस्ट रिसीव होता है उस पर जीएसटी नहीं लगता। पर फर्स्ट केस में क्या था बेटा, यहाँ पे एजेंट जब कस्टमर को बिल लिख रहा है खुद के नाम का बिल इशू कर रहा है, खुद के नाम का अगर बिल इशू कर रहा है मतलब वो खुद कस्टमर को बेच रहा है, खुद अगर कस्टमर को बेचता है उससे कस्टमर से जब सेल कंसिडरेशन लेगा सर साथ में अगर ओवर एंड अबव द प्राइस अगर अपने इंटरेस्ट चार्ज किया तो उसको लोन का इंटरेस्ट नहीं मानते, उस इंटरेस्ट को वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनते हैं। इस पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लोज नंबर डी। क्लियर, डन। सरकार आइए बच्चों ध्यान देना। अच्छा, एजेंट जो गुड सप्लाई कर रहा है वो अगर खुद के नाम का बिल इशू करा उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, पर अगर वो सारे के सारे गुड जो सप्लाई करा वो क्या है, एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई ही है, तो इसमें उसको रजिस्ट्रेशन जरूरत नहीं होती है। इसमें सेक्शन में 23। क्लियर, आइए मालिक। अच्छा, वाइस वर्सा भी है, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वेयर एजेंट अंडरटेक टू रिसीव द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। मतलब एजेंट अगर कस्टमर के बिहाफ पर, एजेंट अगर प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स परचेज करा है, परचेजिंग एजेंट है, खुद के नाम का बिल बन के आता है उसके पास, और ऐसे केस में सर एजेंट जब खुद के नाम का बिल लेगा परचेज पर, तो ऐसे मानेंगे कि सप्लायर ने एजेंट को बेचा है और एजेंट ने जब प्रिंसिपल को भेजा है, तो मान लेंगे सप्लाई हो गया। और ऐसे केस में एजेंट के ऐसे जब गुड्स आएगा प्रिंसिपल के पे, वो सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा बच्चों। क्लियर, डन। सर पैरा नंबर 4 बोलता है क्या, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपने सर्विसेज अगर इंपोर्ट करी है फॉर अ कंसिडरेशन, तो वैसे भी क्लोज नंबर ए में कवर हो गया। पर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम योर रिलेटेड पर्सन और अ डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, पर इन दी कोर्स और फादर बिजनेस होना चाहिए। जो मैंने एग्जांपल दिया, आपके भाई अगर लॉयर है आपका जो आउट ऑफ इंडिया आपको सर्विस दे रहा है बेटा, वो वाला एग्जांपल यहाँ पे। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन सर फ्रॉम योर रिलेटेड पर्सन और अ डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इन दी कोर्स और फादर बिजनेस अगर हुआ, तो सप्लाई के स्कोप में आएगा, वरना सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। भाई आपका रिलेटेड पर्सन नहीं है, अगर वहाँ पे होलियर मैन डिपेंडेंट नहीं है, तो ध्यान रखना बेटा। वो खुद एडवोकेट है, किस बात का डिस्टिंक्ट पर्सन बेटा। क्लियर, डन। पर ध्यान रखना बेटा, सर स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन भले डिपेंडेंट हो या ना हो, वो हमेशा रिलेटेड के स्कोप में आएंगे। क्लियर, डन। अच्छा सरकार, ये हो गया क्या, शेड्यूल नंबर 1 खत्म आपका। अच्छा, शेड्यूल नंबर 1 में हमने पढ़ा क्या, 4 ट्रांजैक्शन जहाँ पे 4 पैराग्राफ जहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन है, फिर भी सप्लाई के स्कोप में आएगा, और सप्लाई के स्कोप में आएगा तो लग गया क्या, जीएसटी। क्लियर, ओके। सर सेक्शन नंबर 7 हम पढ़ते क्या, सप्लाई। सर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर ए फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ अदर बिजनेस, क्लोज नंबर डबल है एओपीबीओआई और उसके मेंबर्स के बीच में आपस में ट्रांजैक्शन जो हो रहे हैं वो सप्लाई के स्कोप में आएंगे। अगर वो दोनों क्या है, हमेशा सेपरेट पर्सन ही माना जाएंगे, अगर वो फॉर अ कंसिडरेशन सप्लाई के स्कोप में आएंगे। क्लियर, क्लोज नंबर बी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर नॉट इन द कोर्स ऑफ अदर बिजनेस, क्लोज नंबर सी कोई बात नहीं कंसिडरेशन नहीं फिर भी वो सप्लाई के स्कोप में आएगा, अगर वो शेड्यूल नंबर 1 में कवर है तो 4 पैराज। क्लियर, क्लोज नंबर डी जो था उसको कट करके सबसेक्शन 1 ए बना दिया। सबसेक्शन 1 ए बोलता है क्या, अगर कोई ट्रांजैक्शन जिसमें डिस्प्यूट है कि सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो ऐसे केस में उस डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, शेड्यूल नंबर 2 दिया, और शेड्यूल नंबर 2 देके बोल दिया क्या, दिमाग खराब करना मंगल, ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा, ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। आइए शेड्यूल नंबर 2 में क्या क्या कवर है। अच्छा पर ध्यान देना, शेड्यूल 2 में वही ट्रांजैक्शन कवर होंगे, शेड्यूल नंबर 2 में वही ट्रांजैक्शन कवर होंगे जो ऑलरेडी क्या है, सप्लाई है। इस पर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1, अगर कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई ही नहीं है इस पर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1, तो शेड्यूल 2 की बात तो आएगी नहीं। आइए शेड्यूल नंबर 2 में क्या लिखा बेटा, सबसे पहली बात ट्रांसफर। सर अच्छा, ये जो बुक मैं आपको दिखा रहा हूँ दिस इज द समरी बुक जो भी लेटेस्ट मैंने लॉन्च करी आपके लिए। ओके सर, सबसे पहली बात सर शेड्यूल नंबर 2, शेड्यूल नंबर 2 सर पैरा नंबर 1 बोलता है क्या, रिगार्डिंग गुड्स। सर मैंने कोई गुड्स आपको बेचा है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन एनी गुड्स ऑब्वियसली सप्लाई ऑफ गुड्स, मैंने कोई गुड्स आपको सर लीज पे दिया, रेंट पे दिया, हायर पे दिया, राइट इन यूज ट्रांसफर किया, राइट इन गुड्स या अनडिवाइडेड शेयर ट्रांसफर किया, या फिर राइट टू यूज ट्रांसफर किया। सर पैरा नंबर 5 में लिखा है राइट टू यूज ट्रांसफर किया, मतलब सर हायर परचेज पे दिया, सॉरी मतलब फाइनेंस लीज पे दिया या ऑपरेटिंग लीज पे दिया, रेंट पे दिया, लीज पे दिया, सब कुछ क्या सप्लाई ऑफ सर्विस है। क्लियर, पर अगर आपने हायर परचेज पे दिया तो सर यहाँ पे पेमेंट आप कर रहे हो इन इंस्टॉलमेंट बेसिस, जहाँ पे ऑनरशिप शेल ट्रांसफर अपॉन अ फ्यूचर डेट, तो हायर परचेज केस में क्या होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स के स्कोप में आएगा। हर जो लीज पेमेंट आप कर रहे हो, हर जो इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हो, सप्लाई ऑफ गुड्स के स्कोप में आएगा। पर अगर फाइनेंस लीज है तो यहाँ पे ऑनरशिप में पास ऑन अ फ्यूचर डेट, पर अगर सर ये डिसाइडेड नहीं है कि आप ऑनरशिप ट्रांसफर करोगे कि नहीं करोगे, लास्ट में फाइनेंस लीज के केस में क्या होता है, यू हैव द ऑप्शन कि एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड आप एक अमाउंट पे करके आप गुड्स का परचेज कर सकते हो। सर अगर आपने वो ऑप्शन लिया है तो वो लास्ट वाला ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स के स्कोप में आएगा, हर लीज पेमेंट जब कर रहे हो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। सर लैंड एंड बिल्डिंग, सर अगर आपने लैंड और बिल्डिंग लीज पे दिया, रेंट पे दिया, सर लाइसेंस टू ऑक्यूपाई दिया है, टेनेंसी प्रीमियम चार्ज किया, वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा, भले वो कमर्शियल हो, भले वो लैंड हो, भले वो बिल्डिंग हो, भले वो कोई भी प्रॉपर्टी हो। क्लियर, आपने लीज पे दिया, लाइसेंस भी दिया, राइट टू ऑक्यूपाई दिया है, टेनेंसी प्रीमियम चार्ज किया, सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा। अच्छा ध्यान देना, टेनेंसी प्रीमियम का सर्कुलर था बच्चों, ध्यान देना, अगर टेनेंसी प्रीमियम मैंने चार्ज किया है, मैं कौन हूं, मैं हूं आउटगोइंग टेनेंट, आप हो मान लो इनकमिंग टेनेंट, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी कोई और है बेटा, तो सर आउटगोइंग टेनेंट अगर इनकमिंग टेनेंट से टेनेंसी प्रीमियम चार्ज कर रहा है तो हमेशा सप्लाई के स्कोप में आएगा, जीएसटी लगेगा। एंड सर भले वो घर हो, भले वो दुकान हो, कुछ भी हो, जीएसटी लगेगा। पर अगर ऑनर ऑफ दी प्रॉपर्टी इनकमिंग टेनेंट से अगर टेनेंसी प्रीमियम ले रहा है, क्लियर, तो ऐसे केस में वो भी सप्लाई और सर्विस के स्कोप में आएगा। पर अगर वो घर का टेनेंसी प्रीमियम होता, इनकमिंग टेनेंट से ऑनर ले रहा है, तो घर के टेनेंसी प्रीमियम के अमाउंट पर जीएसटी नहीं लगेगा। बाकी कमर्शियल प्रॉपर्टी में हमेशा लगता है बच्चा, पर अगर ये घर का टेनेंट से प्रीमियम ले रहा है कौन, आउटगोइंग टेनेंट, तो ऐसे केस में जीएसटी लगेगा, ध्यान दीजिएगा बेटा। ओके, अच्छा एक और बात, घर किराए पर दिया रहने के लिए मेगा एग्जामिनेशन कवर है बेटा। सर घर किराए पर दिया रहने के लिए किसको, अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो सप्लाई तो वो एग्जाम है, अदरवाइज एग्जाम नहीं है। अगर आपने घर किराए पर दिया किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को, सर जिसने अपने बिजनेस में खर्चा बुक किया, तो ऐसे केस में जीएसटी लगेगा। और ऐसे केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। आइए बच्चों, सर ट्रीटमेंट प्रोसेस, मैंने किसी और की गुड्स पे कोई ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या, रिपेयरिंग क्या, जॉब वर्क क्या, सप्लाई ऑफ सर्विस है बेटा। सर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट, अगर मैंने अपने बिजनेस के असेट परमानेंट ट्रांसफर कर दिया किसी को, सप्लाई ऑफ गुड्स है, क्लियर। सर ट्रांसफर सर गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एसेट ऑफ द बिजनेस, मैंने किसी को ट्रांसफर कर दिए, तो ऐसे केस में सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा। मैंने अगर गुड्स बिजनेस के जो असेट्स थे वो अगर मैंने किसी को टेम्परेरी दिए, यूज करने के लिए टेम्पररी अदर देन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, क्लियर, पर्सनल यूज के लिए दिए, तो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा। और हाँ, वेन अ पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, अपना मैंने अगर अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दिया, तो जितने भी गुड्स आपको मेरे स्टॉक में दिख रहे हैं, जिनके परचेज मैंने आईटीसी लिया था, वो सब क्या मान लेंगे, मैंने खुद ने खुद को सप्लाई कर दिया, और सप्लाई ऑफ गुड्स के स्कोप में आएगा। पर हाँ, इसके दो एक्सेप्शन है, अगर मेरा बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है एज ए गोइंग कंसर्न बाय माय लीगल हायर्स, तो यस वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। सेकंड, अगर मेरा बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है एज ए गोइंग कंसर्न बाय समबडी एल्स, तो ऐसे केस में भी वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा, और कोई भी गुड्स पर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, क्लियर। देन पैरा नंबर 5 बोलता है क्या, सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए बेटा 6 ट्रांजैक्शन। फर्स्ट क्या, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का इफेक्टिव पोजीशन इफेक्टिव यूज एंड पोजीशन ट्रांसफर हो या इफेक्टिव कंट्रोल पोजीशन ट्रांसफर हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेंट पे दिया यस सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा। सेकंड, सर मैं अगर आपके लिए बिल्डिंग बना रहा हूँ, कोई कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ, सिविल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, या उसका कोई पार्ट बना रहा हूँ, यस वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा। पर ध्यान देना बेटा, वहां पे प्योर लेबर का काम कर रहा हूँ, तो वो कंस्ट्रक्शन सर्विस है, मटेरियल प्लस लेबर का काम है, तो ऐसे केस में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है। सेकंड थिंग, मैं अगर अपने लिए एक बिल्डिंग बना रहा हूं, मंगल टावर्स, क्लियर, जिसमें 100 फ्लैट्स है, 100 फ्लैट्स में से मान लो 70 फ्लैट बुक हो गए बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिचएवर इज अर्लियर, तो 70 फ्लैट सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आ जाएंगे, 30 फ्लैट सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में नहीं आएंगे। 30 फ्लैट को कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव होने के बाद या फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिचएवर इज अर्लियर, उसके बाद अगर मैंने बेचा है, तो दैट इज सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस एज पर शेड्यूल नंबर 3 पैरा नंबर 5, क्लियर, डन। अच्छा मैंने फ्लैट का एग्जांपल दिया, इसकी जगह कमर्शियल ऑफिसेस भी हो सकते हैं बच्चों, क्लियर, डन, ये कवर कहा पैरा नंबर 5 में। अच्छा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है बेटा, सर अगर आपके लोकल या म्युनिसिपल लॉ में अगर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी का रिक्वायरमेंट है कि यही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो वही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहलाएगी। पर अगर आपके लोकल या म्युनिसिपल लॉ में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इन तीन में से किसी भी एक का सर्टिफिकेट लेना, रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट अंडर आर्किटेक्ट एक्ट, सर रजिस्टर्ड सॉरी चार्टर्ड इंजीनियर, थर्ड लाइसेंस सर्वेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, तो वो कहलाएगा क्या, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, अदरवाइज किसी और का सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। सर देन सर मैंने अरे अपनी बुक कॉपीराइटेड बेटा, कॉपी बुक हो गया, या आपने कोई सॉन्ग वगैरह म्यूजिक बनाया बेटा आपका, क्लियर, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, टेम्पररी ट्रांसफर किया है, परमिटिंग यूज किया, सप्लाई ऑफ सर्विस किसको मांगेगा। देन मैंने आपके लिए कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाया, डेवलप किया, एनहांस किया, इंप्लीमेंट किया, अपग्रेड किया, सर उसके लिए वो क्या है, जो भी फीस लिया वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बेटा, क्लियर। रेडीमेड सॉफ्टवेयर अगर आपने बेचा तो सेल ऑफ गुड्स। देन सर कुछ नहीं करने के पैसे मिल रहे, नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट वगैरह बेटा, तो एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन और टू डू एन एक्ट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। सर इसका बहुत सुंदर सर्कुलर भी आया था चैप्टर 9 के एंड में, मैंने दे रखा आपको। देन सर मैंने अगर राइट टू यूज ट्रांसफर किया, मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, सप्लाई ऑफ सर्विस है, इसका एग्जाम्पल है क्या, फाइनेंस लीज। देन सर आइए सर पैरा नंबर 6 फर्स्ट हम बात कर चुके हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के, नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, रिपेयर रिनोवेशन कुछ भी करो विच इज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहां पे मटेरियल भी आपका है और लेबर भी आपका है, तो वो कंपोजिट सप्लाई जो होगा वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, और ऐसे केस में दैट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, क्लियर। और अगर रेस्टोरेंट या आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज है, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में जाएगा, क्योंकि इट्स अ कंपोजिट सप्लाई ऑफ फूड एंड सर सर्विसेज ऑल्सो, तो ये कंप्यूटर सप्लाई है, गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्लेरिफाई कर दिया शेड्यूल नंबर 2 के थ्रू, ये सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में जाएगा। पैरा नंबर 7 AOPBOI का था, जो यहाँ से डिलीट करके सेक्शन में 7 सबसेक्शन 1A बना दिया बच्चों, क्लियर, डन। टेनेंसी प्रीमियम का सर्कुलर में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ बेटा, अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया है अंडर लीज, तो ऐसे केस में इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम के अंदर उस पर कस्टम्स एग्जाम कर दिया है बेटा, क्योंकि वो टेम्पररी आ रहा है, और वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस कहलाएगा, और उस पर जीएसटी लगेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, क्लियर। देन सर आइए सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1A हमने पढ़ लिया, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 हम पढ़ रहे बेटा। सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में दो क्लोज है, क्लोज नंबर ए और क्लोज नंबर बी, ये बोलता है क्या, दीस ट्रांजैक्शंस आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। आइए सर उसका क्लोज नंबर ए पढ़, क्लोज नंबर ए बोलता है क्या, वो सारे ट्रांजैक्शन विच आर कवर्ड इन शेड्यूल नंबर 3, वो सारे ट्रांजैक्शंस विच आर कवर्ड इन शेड्यूल नंबर 3 आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, और उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। फर्स्ट पैरा बोलता है क्या, सर सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉई फॉर हिज एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, अगर आपने इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय कोई काम किया है एम्प्लॉयर के लिए, उसके लिए जो आपको सैलरी मिल रहा है उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा एक सर्कुलर आया था परक्विजिट्स के लिए बेटा, जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन हो गया, सर इंटरेस्ट फ्री लोन हो गया, सर कार कंपनी कार हो गई एटसेट्रा, जो परक्विजिट्स आपको मिल रहे हैं परक्विजिट्स आर आल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ सैलरी ओनली, दोज आर आल्सो गिवन टू यू बाय द एम्प्लॉयर, क्योंकि आपने एम्प्लॉय की तरह काम किया इसलिए वो परक्विजिट दिए, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा पैराग्राफ एक और सर्कुलर, पैराग्राफ एक किसी कंपनी के डायरेक्टर हो बेटा, और डायरेक्टर हो इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय, जो पैसा मिल रहा है जैसे होल टाइम डायरेक्टर वगैरह को मिलता है उस पर जीएसटी नहीं लगता, जिसपे इनकम टैक्स में सैलरी वाला टीडीएस करता है। पर अगर डायरेक्टर को प्रोफेशनल फी मिल रही है जिसपे इनकम टैक्स का 194J वाला टीडीएस कट रहा है, प्रोफेशनल फी वाला जीएसटी कट रहा है और प्रोफेशनल फी वाला टीडीएस कट रहा है, तो ऐसे केस में सर इन दी कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर वो फीस दिया दैट इज नॉट पेड इन दी कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय, तो वो यहाँ पे शेड्यूल 3 में कवर नहीं होगा, वहां पर जीएसटी लगेगा। और खास बात, डायरेक्टर ने सर्विसेज दी कंपनी को या बॉडी कॉर्पोरेट को, तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है और रेसिपिएंट जो कंपनी वो टैक्स पे करेगी। अच्छा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो वहां बात ही खत्म हो जाएगी, वहां तो डेफिनेटली एम्प्लॉय वो है ही नहीं, ऐसे केस में वहां पर वो सप्लाई के स्कोप में आएगा, जीएसटी लगेगा, और ऐसे केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो भी डायरेक्टर को आप रेम्युनरेशन दे रहे हो वो पे करना पड़ेगा कंपनी को अंडर आरसीए में। क्लियर डन सरकार। फिर बात करिए, फिर देखिए आप साहब, सर किसी भी कोर्ट ने सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, जो कोर्ट फी वगैरह आप पे करते हो सर वो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता है। कोर्ट इंक्लूड्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। ओके सर नेक्स्ट, देश के नेता लोग बेटा, सर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, एमपी, पार्षद वगैरह जितने भी होते हैं बेटा, इन सबको जो ये अपना जो कीमती वक्त वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं देश के लिए, इनको एक ऑनरेरी मिलता है वहाँ पे, वो सैलरी नहीं है, वो एम्प्लॉय नहीं है बेटा। क्लियर, इसलिए यहाँ पे अलग से लिखा और बोल दिया क्या, दैट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। सेम वे अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान ने कोई बॉडी बनाई उसमें आपने कोई पोस्ट होल्ड करी है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आप डायरेक्टर हो, उस पोस्ट की वजह से अगर आपको कोई फी मिल रहा है उस पर कोई जीएसटी, उस पोस्ट की वजह से आपको कोई रेम्युनरेशन मिल रहा है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। थर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई बॉडी बनाई जैसे आईसीएआई, सर उसमें आपने कोई पोस्ट होल्ड करी, रीजनल काउंसिल मेंबर या सेंट्रल काउंसिल मेंबर या इस तरह की कोई पोस्ट होल्ड करी, उस पोस्ट की वजह से आपको जो फीस मिल रहा है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, दैट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। देन अंतिम सेवा, किसी को भेज रहे हो, भेजने की सर्विस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा साहब, भेजने की सर्विस को माफ किया हुआ है। सर्विस ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रेमेटोरियम और मॉर्चरी सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज। देन सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग, सर सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सेप्ट 70 फ्लैट्स, सर अंडर कंस्ट्रक्शन जो बुक हो गए वो सप्लाई के स्कोप में आएंगे, इसलिए बोला है कि सब्जेक्ट टू पैरा नंबर 5B। ओके देन एक्सटर्नल क्लेम्स, एक्सटर्नल क्लेम पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा एक्सेप्ट बेटिंग गैम्बलिंग लॉटरी। अरे सर जुआ खेलते होंगे ना बेटा, क्लियर, तो बेटिंग गैम्बलिंग लॉटरी पे जीएसटी लगता है, इसके अलावा किसी भी एक्सटर्नल क्लेम पे जीएसटी नहीं लगता है। जैसे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एसरेक इंडिया लिमिटेड ने आईसीआईसीआई बैंक के 100 करोड़ के लोन का 100 करोड़ के सर जो एनपी अकाउंट थे लोन अकाउंट उसको परचेस किया 7 करोड़ में, उस 7 करोड़ पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। देन हमने पढ़ा है सर कस्टम के साथ में इसको लिंक करते हुए कि अगर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से, सर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में आपने गुड सप्लाई कर दिया, चाइना से परचेज किया और चाइना में बेच दिया, या चाइना से परचेज किया जापान बेच दिया, सर इंडिया में आया ही नहीं, दैट इज नो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बहुत कोई जीएसटी नहीं लगेगा। सर आपने गुड्स इंपोर्ट कर लिया, कस्टम बोनेट वेयरहाउस में गुड्स को रखवा दिया और कस्टम बोनेट वेयरहाउस में ही गुड्स को आपने किसी को बेच दिया, तो ऐसे केस में वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। सेम वे हाईसी में अगर आपने गुड्स बेच दिया बेटा, कहाँ बेच दिया आपने, हाईसी में गुड्स आ रहा है हाईसी में और हाईसी में आपने किसी को बेच दिया, तो ऐसे केस में वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा, क्योंकि एनीवेज जब कस्टम क्लियरेंस होगा तब कस्टम लगेगा, कस्टम के साथ में वहां पे आईजीएसटी लगता है सेक्शन में 3 सबसेक्शन 7 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट का, वहां पे वैसे ही बोला है क्या हाईएस्ट वैल्यू जो होगी सर 37 किस पे लगता है 38 और 38 है व्हिचएवर इज हायर। तो अगर आपने बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन गुड्स को बेचा है अंडर वेयरहाउस, तो सर ऐसे केस में जो जिस प्राइस में आपने बेचा है उस प्राइस पे या कस्टम के हिसाब से जो वैल्यू आता है वो व्हिचएवर इज हायर लगता है, वैसे भी क्या 37। क्लियर, हाईसी केस में क्या होता है, वैसे भी लास्ट हाईसी सेल जो होता है दैट इज द वैल्यू टेकन फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम, कस्टम के साथ में वैसे भी आईजीएसटी लग रहा है, तो बार बार आईजीएसटी लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे सप्लाई ही नहीं है, मान लिया यहाँ पे बेटा। देन सर डायरेक्टर रेम्युनरेशन का सर्कुलर हमने बात कर ली बेटा ऑलरेडी, सर परक्विजिट्स की बात हमने ऑलरेडी कर ली। अच्छा सेल ऑफ लैंड, अगर मैंने कोई लैंड बेची दैट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। पर अगर मैंने कोई लैंड परचेज करी, रॉ लैंड थी बेटा, उसका लेवलिंग कराया, सर ड्रेनेज लाइन चलवाई, थोड़ा डेवलप कर दिया साहब उसको, और फिर लैंड मैंने बेचा है, अरे भाई लैंड अनडेवलप्ड लैंड बेचू या डेवलप्ड लैंड बेचू, है तो सेल ऑफ लैंड ना यार, सेल ऑफ लैंड इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नो सप्लाई ऑफ सर्विसेज। हाँ, इनको डेवलप लैंड को डेवलप कराने की सर्विसेज मैंने जिससे ली है वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा, उनके सर्विस चार्ज पर जीएसटी लग जाएगा। क्लियर, देन कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्यूसल कमीशन, सरकार ध्यान देना कंज्यूमर कोर्ट जिसको हम बोलते हैं बेटा, यहाँ पे बोला है क्या कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन, पर्टिकुलरली देखा जाए तो कोर्ट नहीं है, पर सर्कुलर ने क्लेरिफाई करके बोला क्या वो सारे पावर्स वो सारी ड्यूटीज जो एक कोर्ट की तो सारी इसको दे रखी है, इसलिए इसको भी एक कोर्ट की तरह ही माना जाएगा, और वहाँ पे जो आप फीस पे करते हो कंज्यूमर डिस्प्यूट्स के लिए, क्लियर, कोई अपील फाइल कर रहे हो उसका, कोई रिड्यूसल कर रहे हो, तो इसके लिए जो फीस पे किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, दैट इज ऑल्सो कोर्ट फी। देन सर सेक्शन में 7 सबसेक्शन 2 क्लोज में भी बोलता है क्या वो ट्रांजेक्शन जो गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगा जो ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट करता है एज अ पब्लिक अथॉरिटी और गवर्नमेंट अगर नोटिफाई करते तो वो ट्रांजेक्शन भी सप्लाई किसको पे नहीं आएगा, दैट इज इन सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। उसमें दो ट्रांजेक्शन नोटिफाइड है। फर्स्ट, अगर गवर्नमेंट ने कोई काम किया सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी, इन्होंने ऐसा काम किया जो आर्टिकल नंबर 243W और 243G में कवर है, तो ऐसे केस में 243G में कवर है पंचायती काम, जी में कवर है पंचायती काम एंड W में कवर है कहाँ, म्युनिसिपलिटी काम। वो काम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी ने परफॉर्म किया है एज ए पब्लिक अथॉरिटी, तो सर ऐसे केस में दैट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। ध्यान देना बेटा, यही काम अगर किया इसने सर गवर्नमेंटल अथॉरिटी ने, तो ऐसे केस में वो मेगा एग्जिबिशन लिस्ट में कवर है, उस पर भी जीएसटी नहीं लगता। देन सर स्टेट गवर्नमेंट ने सर जो दारू सर्व करने का लाइसेंस देता है ना बेटा, और लिकर सर्व करने का लाइसेंस जो मिलता है आपको पता ही होगा, खैर सर, तो ऐसे केस में सर लेकर सर्व करने का लाइसेंस जो होता है, लाइसेंस फीस के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट ने चार्ज किया है, एप्लीकेशन फी जो चार्ज किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। फिर एक सर्कुलर देके बोला क्या, ओ भाई साहब ये जो हमने सर ये जो एक नोटिफिकेशन है दैट इज ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ लाइसेंस फी इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ लिकर, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स। क्लियर, बाकी सब पे जीएसटी लगेगा बच्चों। आइए सरकार, अब सिक्योरिटीज अंडर सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम। अगर मैंने मान लो आपके पास रिलायंस के 1 लाख शेयर से बेटा आपने किसी को लैंड किया, बेचा नहीं बेटा, सेल ऑफ सिक्योरिटी तो नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, आपने लैंडिंग किया बेटा, उसके लिए बोरोवर से लैंडिंग फी आपने चार्ज किया। लैंडिंग फी चार्जेबल टू जीएसटी, वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, और बोरोवर टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली, और उसमें भी आईजीएसटी लगता है। सेकंड थिंग, बीच में जो ऑथराइज इंटरमीडिएट होता है ब्रोकर बेटा, उसने जो अपना फीस चार्ज किया दैट इज ऑल्सो सप्लाई ऑफ सर्विस, उस पर भी जीएसटी लगता है, उसमें फॉरवर्ड चार्ज लगता है बच्चों। क्लियर, डन। आइए मालिक, अच्छा गवर्नमेंट अगर अपने कोई used vehicle, seized or confiscated goods, old or used goods, waste scrap etc. अगर गवर्नमेंट ने बेचा है, रेसिमेंट अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। गुड्स का रिवर्स चार्ज आपके कोर्स में नहीं आता, इसलिए जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। रेसिमेंट अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड तो वो टैक्स पे करता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, और अगर रेसिमेंट जो खरीद रहा है गुड्स वो अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं तो गवर्नमेंट टैक्स पे करेगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। क्लियर, डन। सर एक सिंपल सा डायग्राम दे रखा है आपको। अच्छा एक बात और सर, ये हो गया सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 खत्म। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 3 दे रखा है, पर वो भी काम का नहीं, क्योंकि वहां लिखा है कि गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ ट्रांजेक्शन को नोटिफाई करके बता सकता है कि ये ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा, ये ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा, और ऐसा कोई डिस्प्यूट अब तक आया नहीं, इसलिए सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 3 में कोई नोटिफिकेशन दिया नहीं है, इसलिए वो भी काम का नहीं है। आइए सर, ये हुआ क्या सेक्शन नंबर 7 पूरा खत्म। अच्छा उसके बेस पे चार्ट दे रखा है सिंपल सा, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके लाइफ में आ जाए कि सप्लाई है कि नहीं है सर, तो ऐसे केस में कैसे डिफाइन करोगे आप? सबसे पहले देखोगे क्या वो फॉर सेक्शन नंबर 7 में पुट करना, सबसेक्शन 1 में क्लॉज नंबर ए, क्या फॉर कंसीडरेशन है इन द कोर्स ऑफ फर्दरनेस ऑफ बिजनेस है, यस सप्लाई, बात खत्म। विदाउट कंसीडरेशन जाना शेड्यूल नंबर 3 में, सर इन द कोर्स ऑफ फर्दरनेस ऑफ बिजनेस नहीं है, पर केवल एक ही ट्रांजेक्शन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसीडरेशन वेदर नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरनेस ऑफ बिजनेस, वो सप्लाई के स्कोप में आता है। अच्छा अगर कोई ट्रांजेक्शन विदाउट कंसीडरेशन है, वो शेड्यूल नंबर 1 में कवर है तो सप्लाई में आ जाएगा, पर अगर शेड्यूल 1 में कवर नहीं है वो सप्लाई के स्कोप में आएगा ही नहीं, और अगर विदाउट कंसीडरेशन है शेड्यूल नंबर 1 में कवर नहीं हुआ सप्लाई के स्कोप नहीं आया, जीएसटी नहीं लगेगा, बात खत्म। क्लियर। अच्छा सेकंड बात, अगर वो ट्रांजेक्शन सप्लाई के स्कोप में आ रहा है, बस एक बार चेक कर लेना क्या वो शेड्यूल नंबर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 मतलब शेड्यूल नंबर 3 में कवर तो नहीं गई बेटा। अगर शेड्यूल 3 में कवर है या क्लोज नंबर बी में जो नोटिफिकेशन में पड़े लेकर सर्व करने का लाइसेंस या आर्टिकल 243W 243G में अगर वहां कवर है तो ऐसे केस में सप्लाई में नहीं आएगा, अदरवाइज सप्लाई के स्कोप में आएगा। भारत माता की जय। और हाँ, जो ट्रांजेक्शन सप्लाई के स्कोप में आएगा एक बार जरूर चेक लेना मेगा एग्जामिशन लिस्ट, वहां अगर एग्जाम दे तो एग्जामिशन मिलेगा, वरना एग्जामिशन नहीं मिलेगा। डन। ये हो गया क्या सर चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन नंबर 9 सेक्शन नंबर 7 खत्म होता है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेक्शन नंबर 8 मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन मोर देन वन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, मोर देन वन गुड्स और सर्विस और बोथ अगर आपने साथ में सप्लाई किया है सर, अगर वो मोर देन वन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई होते हैं, इन कॉन्जंक्शन विद ईच अदर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस साथ में सप्लाई होते तो कंपोजिट सप्लाई कहलाता है। और ऐसे केस में सर उस सप्लाई में जो प्रिंसिपल एलिमेंट है, जो मेन एलिमेंट है सर, जो प्रिंसिपल सप्लाई है उसी में क्लासीफाई करेंगे पूरे ट्रांजेक्शन को। और अगर कोई ट्रांजेक्शन जहां पर मोर देन वन सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ साथ में सप्लाई किए विच आर नॉट सप्लाइड इन कॉन्जंक्शन विद ईच अदर इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, साथ में ऑर्डिनरी सप्लाई नहीं होते पर आपने कॉम्बो बना के सिंगल प्राइस में बेचा है। आई रिपीट, मिक्स सप्लाई केस में सिंगल प्राइस इज वेरी एसेंशियल, सिंगल प्राइस में अगर बेचा है तो ऐसे केस में वो मिक्स सप्लाई कहलाएगा, और मिक्स सप्लाई अगर है तो उस कॉम्बो के अंदर जितने भी गुड्स या सर्विसेज है उसमें जो हाईएस्ट रेट होगी उस रेट में क्लासीफाई करेंगे द सप्लाई विच गिव्स इट हाईएस्ट लायबिलिटी, पूरे मिक्स सप्लाई को उसमें क्लासीफाई कर देंगे। भारत माता की जय। ये था आपका क्या सेक्शन नंबर 8। अच्छा अब इसके रिगार्डिंग समझाने के लिए कुछ सर्कुलर दे रखे, मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल देता हूँ बेटा। मान लो मैंने सर मैं क्या बनाता हूँ मार्कर्स, आपको पता है बेटा ब्रांड नेम क्या है मंगल्स, सर मैंने मार्कर बना के आपको बेचा और आपने गुड्स को आपने घर मंगाया बेटा, तो यस सर मैंने क्या किया बेटा, 1000 रुपये वैल्यू ऑफ गुड्स था बेटा, 100 रुपये क्या लिया आपसे डिलीवरी चार्ज लिया बेटा, ट्रांसपोर्ट चार्ज लिया बेटा मैंने आपसे। सिंस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई होता है ये, क्लियर, तो ऐसे केस में पूरा 1100 इज द कंपोजिट सप्लाई और पूरे 1100 पे मार्कर की रेट से टैक्स लगेगा, क्योंकि प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है मार्कर सेल करना है बेटा। क्लियर सरकार। सेकंड मान लो किसी होटल में आपने स्टे किया और आपका प्लान जो था उस होटल में सर उसमें आप स्टे भी कर रहे हो साथ में ब्रेकफास्ट और लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर फ्री, क्लियर। तो ऐसे केस में इट्स अगेन अ कंपोजिट सप्लाई और कंपोजिट इज द प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है होटल अकोमोडेशन में, क्लियर। इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस विच एलिमेंट इज द प्रिंसिपल एलिमेंट एंड सर कौन सा सप्लाई कंपोजिट है कौन सा मिक्स है डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। सर आइए मिक्स सप्लाई के कुछ एग्जाम्पल, मान लो मैं किसी बेकरी या किसी स्वीट शॉप पे गया, वहाँ मैंने कुछ मिठाई परचेज करी। सर अब मिठाई क्या है, अपने आप में अलग गुड्स है, चॉकलेट खरीदी वो अलग गुड्स है, सर कोई मैंने बिस्किट खरीदे अलग गुड्स है बेटा, कुकीज़ खरीदी वो अलग गुड्स है बेटा, सबका रेस्पेक्टिव बिल सर मान लो सिंगल बिल ही है पर सबका रेस्पेक्टिव वैल्यू अलग है। तो सर ऐसे केस में वो मिक्स सप्लाई नहीं है। बिल के अंदर अगर अलग अलग वैल्यू लिखी रेस्पेक्टिव वैल्यू रेस्पेक्टिव टैक्स बात खत्म बेटा, पर अगर सिंगल प्राइस चार्ज किया तो आपने कोई कॉम्बो पैक परचेज किया तो ऐसे केस में वो क्या होता है बेटा मिक्स सप्लाई के स्कोप में आता है और ऐसे केस में जो भी गुड्स हाईएस्ट लाइवली देगा उसमें क्लासिफाई करेंगे बच्चों, क्लियर डन। सरकार मिक्स सप्लाई कंपोज सप्लाई को लेकर कुछ सर्कुलर थे वो भी देख लीजिए बेटा। सबसे पहली बात क्या है जीटीए के लिए मैं मान लो एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी गुड्स ट्रांसपोर्ट करता हूं बेटा, तो ऐसे केस में मैं क्या करता हूं कई बार लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग अनपैकिंग का काम भी साथ में लेता बेटा। अगर ऐसे केस में मैंने ट्रांसपोर्टेशन के साथ में लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग अनपैकिंग का काम साथ में किया है तो ऐसे केस में बिल अगर सिंगल इशू किया तो कंपोजिट सप्लाई और कंपोजिट अगर है तो प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स उसमें क्लासिफाई करेंगे और अकॉर्डिंगली रेट ऑफ टैक्स लगेगा। सेकंड थिंग अगर मान लो पैकिंग अनपैकिंग लोडिंग अनलोडिंग का कॉन्ट्रैक्ट अलग है ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट अलग है तो सर ट्रांसपोर्टेशन पे ट्रांसपोर्ट की रेट लगेगी और इन पे रेस्पेक्टिव सप्लाई सर्विस का रेट लगेगा बेटा, क्लियर डन। जनरल रेट लगता है 18% नॉर्मली इसके केस में। आइए सर क्लियरिफिकेशन रिगार्डिंग रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स। अब रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स क्या होता है बेटा, पुराने टायर को मैंने सर अपनी फैक्ट्री ले गया और उस पर रबर वगैरह कोटिंग करी वायरिंग वगैरह करा और एकदम नया टायर बना दिया बेटा, तो उसको बोलते हैं क्या रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स। पुराने टायर आपने दिए मैंने प्रोसेस किया, अब इसमें क्या रबर भी मेरा है बेटा, रबर सर टायर को बनाने का सर्विस भी मेरा है बच्चों, तो ऐसे केस में गुड्स भी मेरा मटेरियल भी मेरा पर ये कंपोजिट सप्लाई और कंपोजिट अगर है तो प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है रीट्रेडिंग ऑफ टायर सर्विस इज एसेंशियल, तो प्रिंसिपल सप्लाई क्या है सप्लाई ऑफ सर्विस उसमें क्लासिफाई करेंगे। बस बॉडी बिल्डिंग के लिए सप्लाई ऑफ सर बस बॉडी बिल्डिंग, पुराना आपने क्या किया बेटा कोई बस दिया जिसके अंदर बॉडी नहीं लगा हुआ है साहब, मैंने बस का पूरा बॉडी बनाया है और उसको फिट किया आपकी कार के अंदर आपके बस पे, क्लियर, या ट्रक पे वगैरह पे बेटा, तो ऐसे केस में वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में जाएगा एज पर नोटिफिकेशन गिवन टैरिफ, ओके डन। देना था क्या प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट, सर जैसे बुक प्रिंटिंग होती है बेटा उसमें पेपर भी प्रिंटर का होता है इंक भी प्रिंटर का होता है, हमारा क्या होता है केवल कंटेंट हमने उनको दिया होता है, तो ऐसे केस में वो प्रिंटिंग की सर्विस भी दे रहे और गुड्स जैसे इंक हो गया पेपर हो गया सब उनका है बेटा, तो इट्स अ कंपोजिट सप्लाई। पर इसमें प्रिंसिपल एलिमेंट क्या होगा सर सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा कि सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा, दो अलग अलग कैटेगरी गुड्स है। सर अगर आप प्रिंटिंग करोगे इसका बुक्स का पैम्पलेट्स का ब्रोशर का एनुअल रिपोर्ट्स का एंड द लाइक का तो ऐसे केस में सप्लाई ऑफ सर्विस इज एलिमेंट प्रिंसिपल एलिमेंट, इसलिए प्रिंटिंग सर्विस में क्लासिफाई करेंगे। पर अगर प्रिंटेड एनवलप्स लेटर कार्ड्स प्रिंटेड बॉक्सेस टिश्यूज नैपकिन वॉलपेपर एक्सेट्रा जो होते हैं बेटा टिश्यू पेपर वगैरह जिसमें ब्रांड नेम लोगो वगैरह मेरा लग रहा है तो ऐसे केस में वहां पे एसेंशियल क्या है बेटा गुड्स एसेंशियल है, प्रिंसिपल एलिमेंट इज सप्लाई ऑफ गुड्स, क्लियर डन। सरकार अब मैं प्रिंटेड बुक्स बेच रहा हूं बेटा, मैंने क्या किया प्रिंटर से प्रिंट कराई बुक्स, अब मैंने बुक्स क्या किया प्रिंट करा के मेरे पास ले आया और मैं बेच रहा हूं बेटा सर, तो ऐसे केस में सेल ऑफ बुक्स कहलाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। भले सर मैंने कॉपीराइट आपसे ले रखा है फॉरेन ऑथर से ले रखा है किससे भी ले रखा है या खुद की बुक्स बेच रहा हूँ सेल ऑफ गुड्स में जाएगा सेल ऑफ बुक्स। आइए नेक्स्ट क्या है सर सर्विसिंग ऑफ कार्स, अरे बाइक या कार वगैरह सर्विसिंग पे जब जाती है बेटा तब अगर वहाँ पे मटेरियल भी लगते है बेटा कार सर्विसिंग में और जैसे ऑयल वगैरह हो गया बेटा पार्ट्स कंपोनेंट्स हो गए प्लस सर्विस चार्ज भी होते हैं उसके, अगर बिल में दोनों को अलग अलग लिखा है तो रेस्पेक्टिव गुड्स पर रेस्पेक्टिव टैक्स लगेगा सर्विसेज पे सर्विस रेट लगेगी बेटा, पर अगर उसने एक साथ कंपोजिट सिंगल बिल लिखा तो ऐसे केस में वो कंपोजिट सप्लाई है पर इसमें प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है सप्लाई ऑफ गुड्स सप्लाई ऑफ सर्विस डिपेंड्स ऑन केस टू केस, क्लियर। देन आता है क्या बैटिंग गैम्बलिंग वगैरह आपको पता है बेटा आप खेलते होंगे बेटा, तो बैटिंग गैम्बलिंग अगर आपने किया है तो सप्लाई ऑफ सर सर्विस के स्कोप में आएगा, ध्यान देना बेटा। वैसे एक्सटर्नल क्लेम्स गुड्स के स्कोप में आते हैं गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं पर सर ठीक है सर्कुलर वगैरह सबने टैरिफ ने इसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना है तो सप्लाई ऑफ सर्विस में क्लासिफाई करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वैसे भी रेट ऑफ टैक्स सेम है बेटा। ओके सर अगर आपने बैटिंग गेमिंग जुआ खेला बेटा सर तो जो बैट वैल्यू आपने लगाई है दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस और पूरे बैट वैल्यू पे जीएसटी लगेगा बेटा, वैल्यू है बेटा वो 1 लाख का जुआ खेला 1 लाख इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई बेटा, क्लियर। उस पर 28% टैक्स लगता है बेटा, पर अगर लॉटरी की बात करें हम तो लॉटरी टिकट जो होता है बेटा उसको इंक्लूसिव जीएसटी मानते हैं, हम बात करेंगे वैल्यूएशन में रूल नंबर 31A में बेटा, क्लियर। पर हाँ हॉर्स रेसिंग हो गया सर बैटिंग गेमिंग वगैरह हो गया जुआ खेल रहे बेटा सट्टा लगा रहे सब सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आता है जीएसटी लगता है बेटा। सेकंड थिंग सर ध्यान देना बच्चा अगर कैसीनो में एंट्री करो एंट्री फीस हो गया एडमिशन फी हो गया या किसी भी एंटरटेनमेंट या एम्यूजमेंट फैसिलिटी में आप जा रहे हो तो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आता है जीएसटी लगता है बेटा उसमें पे, क्लियर डन। आइए क्लियरिफिकेशन रिगार्डिंग कॉस्ट पेट्रोलियम, सर मान लो मेरे को सर मैं कौन हूँ ऑयल प्रोडक्शन एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टर हूँ बेटा, मेरे को गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, मैं ऑयल निकाल रहा हूँ बेटा। अब सर सिंस आपको पता है ऑयल कोई प्राइवेट पार्टी नहीं बेच सकती बेटा, इसलिए मेरे को सारा ऑयल सरेंडर करना पड़ता है किसको, गवर्नमेंट को। पर सर सारा काम मैंने किया, ऑयल मैंने निकाला, और सर सारा पेट्रोल मैंने दिया किसको, गवर्नमेंट को। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या करती है, मेरा जितना भी कॉस्ट इंकर हुआ है प्लस जितना भी मेरा प्रॉफिट मार्जिन वगैरह था उन सबको रिकवर करने के लिए मेरे को कॉस्ट पेट्रोलियम का अमाउंट देती बेटा गवर्नमेंट। तो इसका मतलब ये नहीं कि आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू गवर्नमेंट, इसलिए कॉस्ट पेट्रोलियम पे कोई जीएसटी नहीं लगता। पर अगर मान लो हमारा एक जॉइंट वेंचर होता बेटा, एक क्लब होता सर जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया था गवर्नमेंट से बेटा, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से गवर्नमेंट को हम ऑयल सरेंडर कर रहे हैं, वो हमको कॉस्ट पेट्रोलियम दे रहा है, वो सप्लाई किसको पे नहीं आएगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। पर अब जॉइंट वेंचर के अंदर 4 मेंबर थे बेटा, 2 मेंबर क्या कर रहे हैं, उस जॉइंट वेंचर के लिए काम कर रहे हैं, 2 स्लीपिंग पार्टनर है मान लो, क्लियर। तो 2 पार्टनर जो काम कर रहे हैं, they are the members who are providing services to joint venture. If they are charging some fees from the joint venture, yes, that is a supply of service by member to joint venture, और वो सप्लाई के स्कोप में आता है बच्चों, क्लियर। एंड लास्ट सर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स, सर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स सिक्योरिटीज नहीं है, these are not securities sir, these are akin to freely tradable securities, renewable energy certificates, REP license etc बेटा। और ऐसे केस में अगर इनको आप बेचते हो तो सर प्री जीएसटी रीजन में भी ये इन पे वेट लगता था, ये सप्लाई ऑफ गुड्स के स्कोप में आते हैं, और जीएसटी में भी वो सप्लाई ऑफ गुड्स के स्कोप में आते हैं, एंड ये सप्लाई के स्कोप में आएंगे, वो सेल ऑफ सिक्योरिटी नहीं है। पर हाँ वो बात अलग है, जीएसटी टैरिफ में इन पे रेट ऑफ टैक्स जीरो किया, नील किया, एग्जाम किया, एक अलग बात है बेटा, पर सप्लाई ऑफ गुड्स के स्कोप में आता है। इसी के साथ भारत माता की जय। सर क्या लिखा है लास्ट में सर बच्चा, सर ये डायलॉग तो आपने कई बार सुना होगा, काबिल बनो काबिल, काम में भी तो साली झक मार के पीछे आपके भागेगी। सरकार ध्यान देना बेटा, कामयाबी का सबसे बड़ा हथियार क्या है, कामयाबी पाने का सबसे बड़ा राज क्या है, सर मेहनत, सर हार्डवर्क विद द स्मार्ट वर्क डेफिनेटली विल गिव यू द सक्सेस, माय ऑल प्रेयर्स आर फॉर यू। लगा दो अपना पूरा दम, लोग कहते अपना टाइम आएगा, मैं कहता हूं अपना टाइम आ गया है, क्लियर। एंड सर लगा दो अपना पूरा दम, एंड यस आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एंड सर फैला दो इन वीडियोस को सारे स्टूडेंट तक, सो दैट सारे स्टूडेंट्स इन वीडियोस का फायदा ले पाए, एंड सर रिवीजन अपना बहुत इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कर पाए, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिफोर द एग्जाम्स एंड ड्यूरिंग द एग्जाम्स। ऑल द बेस्ट, माय ऑल प्रेयर्स आर फॉर यू ऑल गाइस, लव यू ऑल लॉट। पूरा कॉन्फिडेंस मेंटेन रखिए, पढ़ाई करिए, पर हाँ कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब चीजें आपको आएगी, इसलिए इन रिवीजन लेक्चर्स को 2-3 बार सुन लीजिए, मजा आ जाएगा, पूरा चैप्टर आपके ग्रिप में आ जाएगा। माहौल के साथ खत्म होता है अब, सर मिलेंगे अगले चैप्टर के अंदर। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल लॉट, टेक केयर, बाय बाय।